देख रहे हैं SGN न्यूज़। नगर निगम की सड़कें अब बड़े नाले के रूप में तब्दील हो गई हैं। हल्की बारिश हो या मूसलाधार, गर्मी हो या ठंडी या फिर पतझड़, यहाँ साल भर नदी जैसा हालात रहता है। माधोपारा वार्ड नंबर 28 की सड़क को देखकर नगर निगम की नाकामियां नजर आती हैं। वार्ड नंबर 28 माधोपारा की इस सड़क पर 12 महीने जल जमाव रहता है। यह सड़क अभी तक बनाई नहीं गई है। हालांकि नाला आधा अधूरा बना है, लेकिन वहां से निकलता हुआ पानी सड़क पर जमा हो जाता है। पानी में इतनी गंदगी है कि वहां कीड़े पनपने शुरू हो गए हैं, बीमारियों को दावत दे रही है और लोग मजबूर हैं सड़क पर चलने के लिए। स्थानीय निवासियों का मानना है कि रमजान के पाक महीने में इस तरह की गंदगी का सामना कैसे करें, रोजा रखकर नमाज पढ़ने के लिए कैसे सड़क से गुजर कर जाए। नगर निगम के सामने यह एक बड़ी चुनौती है कि शहर के इस घनी आबादी वाले मोहल्ले में एक बुनियादी सुविधा तक नहीं है। आखिर यह जनता किसके पास जाए? आला कमान तक ये लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं, पर इनकी सुनने अब तक कोई नहीं आया। पेश है तहजीब की ये रिपोर्ट। ये मामला ये वार्ड नंबर 28 है, यहाँ के वार्ड कमिश्नर हमारे सबनम वाला जी हैं। लेकिन ये देख सकते हैं आप, अभी आप लोग वीडियोग्राफी कर रहे होंगे, मतलब कि रोड जो है हमारा वो पूरा ये बड़े नाला के मतलब कि रूप में तब्दील हो चुका है, जिससे आने जाने वालों को, राहगीरों को काफ़ी परेशानी होती है। रात में तो आना मुश्किल है, मतलब इधर से आएगा कोई, रोजा रमजान का महीना है, लोग पाक साफ होकर आना जाना करते हैं, लेकिन ये गंदी नाली में पानी में गिर जाते हैं। इस पर कितना खर्च होता है डेली हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं, लेकिन धरातल पर तो कुछ सुविधा नज़र नहीं आता है और प्रशासन, नगर निगम सभी इस पर सुस्ती बनाए हुए हैं। अच्छा, सिर्फ ये अभी बारिश है इसके मौसम में है या फिर ये सब दिन इस तरह रहता है? नहीं, ये तो अभी तो बारिश अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हाँ। अभी लोग तो जैसे कि माना जाता है प्री मानसून है, तो ये हाल है। ये 12 महीना ये नाली का पानी, मतलब नाली से निकल के रोड पे जमा हो रहे हैं, और नाली से एक जो पर क्या कहते हैं इसको, पगडंडी नाली को बनाया गया है, उसी पे लोग आना जाना करते हैं। कितना दिन पहले ये रोड बना है और नाला बना है? लगभग 1-1.5 साल हो चुका है, और रोड जब से बना है, रोड नाला नहीं बना था, ठीक था, नाला जब से बना है, नाला का कोई निकासी नहीं दिया गया इधर से, और सारा नाला का पानी रोड पे आ गया है। तो आप लोग कहीं शिकायत की है लिखित में? बहुत आवेदन दिए हैं, DM साहब को भी दिए, DSR साहब को भी दिया, नगर निगम में भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई इसका नहीं हुआ। अभी तक सब सिर्फ आश्वासन दिए हैं और अभी कोई मुकम्मल इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। ये तो आप कैमरा में देखिए रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक इसका आवेदन हम लोग नगर निगम, DM और सबको, जहाँ जहाँ देना चाहिए सबको दिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अभी देख रहे हैं बीमारी फैलने का खतरा है, महामारी फैल सकता है। उसके अलावा और बहुत सारी परेशानी है कि रास्ता आना जाना बंद हो गया लोगों का, बहुत घूम करके आना जाना पड़ता है, कीचड़ हेल करके जाना पड़ता है। समस्या ही समस्या है इस रोड में, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। ये नाला देखे, नाला बना चालू नहीं हुआ, इसका निकासी नहीं हुआ, इस वजह से और परेशानी हो गया। गाड़ी तो बस समझ लीजिए वही कीचड़ हेल करके जाना है, और कहीं पैर हाथ धो करके पैंट उंटे पहनेगा तब निकलेगा, नहीं तो दूसरे के यहाँ गाड़ी रखेगा तब आएगा अपने घर। क्या याद दिलाता है ये सुशासन याद दिलाता है? ये हमारे बिहार का सुशासन है, देखिए। तो मानसून से पहले ये हाल है, जब मानसून आती है तो फिर क्या हाल यहाँ? मानसून में तो बस वही पैंट खोलिए, अंडरवेयर पर चलिए और दूसरा उपाय नहीं है। नदी उदी देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस रोड में आइएगा तो नदी देखने को मिल जाता है कि इस रोड में नदी में चल रहे हैं। तो आखिर तो आप लोग स्कूल जाते हो और ये पानी लोग स्कूल जाते हैं तो जब गिर उड़ जाते हैं फिर दिक्कत होता है, पानी उनी बहुत जमा है, यहाँ पे रोड बनाना चाहिए। अच्छा, इस जगह आंगनबाड़ी है, आप लोग स्कूल जाते हो तो सबको परेशानी होती है? हाँ, सबको होती है। अगर यहाँ परेशानी होगी तो फिर गाड़ी उड़ी जाएगी, फिर कैसे काम? अच्छा, यहाँ के बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो उनको गाड़ी लेने आती है, कैसे जाता है? गाड़ी उधर से घूम के आती है।